इलेक्ट्रिक स्विच। हमारे घर में जो स्विच यूज होते हैं उनमें भी टॉर्च के जैसा ही अरेंजमेंट होता है, मींस बस बल्ब नहीं होता। आप चाहें तो एक सिंपल स्विच जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि कैसे बनाया जाता है उसे बना सकते हैं और बनाकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से सर्किट कंप्लीट होने पर चीज ऑन ऑफ होती है, जिस तरीके से टॉर्च में होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्विच भी ऐसे इसी प्रकार से होता है, जिस तरीके का अरेंजमेंट टॉर्च में होता है उसी प्रकार का अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक स्विच में भी होता है, बस बल्ब नहीं होता। इस सिंपल स्विच से आप सर्किट कंप्लीट होने और करंट फ्लो होने को समझ सकते हैं। यानी कि स्विच भी एक सिंपल डिवाइस है। जो घर में हम स्विच यूज करते हैं वो भी ठीक इसी प्रकार से एक सिंपल डिवाइस है जो कि ऑन ऑफ होने पर सर्किट के ब्रेक और कंप्लीट करती है। यानी स्विच जब हम ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, ऑफ करते हैं तो वो बंद हो जाता है, मीन्स जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है और ब्रेक होता है। जब ब्रेक होता है मीन्स कंप्लीट, क्या कंप्लीट होने का मतलब है कि ऑन करा तो सर्किट कंप्लीट हो गया तो चीज ग्लो करने लगती है, बल्ब हो चाहे ट्यूबलाइट हो फैन हो, ऑन हो जाता है वो। और जब आपने ऑफ किया तो मीन्स जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया तो वो चीज रुक जाती है। इस स्विच का यूज हम घर में इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, कूलर एक्सेट्रा और भी इलेक्ट्रिक आइटम को चलाने में करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल आइटम में भी ये स्विच लगे होते हैं। सभी डिवाइसेस इसी इलेक्ट्रिक फ्लो और सर्किट कंप्लीट वाले प्रिंसिपल पर ही काम करती हैं कि जब स्विच ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वो डिवाइस ऑन हो जाती है, और जब ऑफ किया जाता है स्विच को तो करंट जो है वो पास होना रुक जाता है, सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है, करंट फ्लो रुक जाता है और वो डिवाइस ऑफ हो जाती है। तो सभी इलेक्ट्रिक आइटम इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, बस सब आइटम की डिजाइन अलग अलग होती है, चाहे वो टीवी हो, एसी हो, मिक्सी हो, इलेक्ट्रिक टॉय हो बच्चों के, या फिर अदर सो मेनी आइटम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। मीन्स जब ऑन किया गया सर्किट कंप्लीट हो गया तो वो डिवाइस ऑन हो गई, ऑफ किया गया सर्किट ब्रेक हो गया डिवाइस ऑफ हो गई। अब हम जानते हैं कि ये वायर सर्किट में कैसे बनता है, वायर सर्किट जो बनाते हैं हम, कि कैसे एक सर्किट बनता है और इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है और कौन सा वायर है जिसको यूज किया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है इस सर्किट में। हमने सभी एक्टिविटी में देखा कि मेटल का वायर यूज किया जाता है टर्मिनल्स को जोड़ने के लिए। यदि हम मेटल की जगह प्लास्टिक, कॉटन या कोई और आइटम, लकड़ी का, रबड़ का, किसी और आइटम का वायर सर्किट को बनाने में यूज करें तो क्या टॉर्च का बल्ब ग्लो करेगा, जलेगा? नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप और भी मटेरियल को टेस्ट कर देख सकते हैं टेस्टर द्वारा, अगर आपके पास टेस्टर है। टेस्टर क्या होता है, एक पेचकस जैसा होता है, इसमें एक बल्ब होता है, जिस भी चीज में करंट पास थ्रू होता है जब आप इसको किसी चीज से टच करते हैं तो वो बल्ब जल जाता है, और अगर करंट पास थ्रू नहीं हो रहा है उस मटेरियल में तो बल्ब नहीं जलेगा, उसको टेस्टर कहते हैं। ये आपने जो इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं घर में, पंखा ट्यूबलाइट वगैरह जो खराब हो जाती है उनको ठीक करने के लिए, कूलर एसी वगैरह, उनके पास ये टेस्टर होता है। कई बार घरों में भी हम ये रखते हैं, तो इस टेस्टर के माध्यम से आप डिफरेंट मटेरियल को टेस्ट कर सकते हैं कि किसमें करंट फ्लो हो रहा है और किसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो आप जान पाएंगे कि कुछ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, जबकि कुछ ऐसे हैं जो पास होने देते हैं। तो इस प्रकार से दो तरह के मटेरियल हैं, पहले जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं जैसे मेटल है, कॉपर है और भी मेटेलिक आइटम है, दूसरे वो जो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू नहीं होने देते, जैसे कि ऊपर बताया मैंने प्लास्टिक है, रबड़ है, लकड़ी है, तो ये करंट को पास नहीं होने देते। तो जिन मटेरियल के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर कहा जाता है, जैसे मेटल, कॉपर एक्सेट्रा, और जिन मटेरियल के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है, जैसे रबड़, वुड, प्लास्टिक, इसी तरीके के आइटम। आप ये चीज टेस्ट करके देख सकते हैं तो आप एक अच्छी खासी लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से इंसुलेटर है और कौन से कंडक्टर है। चूंकि इलेक्ट्रिक काम करने में हम हमेशा, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी बिजली का कोई काम करते हैं, अगर आप नहीं करते तो आपने अपने घर में बड़े लोगों को देखा होगा कि जब भी कहीं फ्यूज चला जाता है या तार हिल जाता है या कोई भी इलेक्ट्रिक काम कर रहे होते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि चप्पल पहन लेना, चप्पल पहन के काम करना, या फिर जो कभी लाइट हमारी एरिया में खराब हो जाती है तो इलेक्ट्रिशियन आते हैं खंबे पे चढ़ के ठीक करते हैं, तो आपने देखा होगा उनके बड़े बड़े प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं और वो लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़कर फिर उसको ठीक करते हैं, बिजली के खंबे के ऊपर चढ़कर
फिट ही करते हैं। और उनके पास जो पेचकस होता है या कोई भी उनके पास टूल्स होते हैं, उन सब के पीछे प्लास्टिक की मोटी कवरिंग होती है, एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए। तो इट मीन्स आपको क्या पता चला, जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग किसकी होती है, इंसुलेटर की। इंसुलेटर मीन्स जो करंट को पास थ्रू नहीं होने देता। और जिससे हम इलेक्ट्रिक आइटम को यूज करना है, चलाना है, टेस्ट करना है, वो किसका बना होता है, वो कंडक्टर का बना होता है। तो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास होने के कारण ही इलेक्ट्रिक आइटम में डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल है उनका यूज किया जाता है, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल है या फिर और आइटम है, माइक्रोवेव है, जितने भी आइटम हैं जो हमारे घर में यूज होते हैं, तो उनमें आपने एक कॉमन चीज देखी होगी सभी आइटम के अंदर, चाहे वो पंखा है, ट्यूबलाइट है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, टोस्टर है, मिक्सी है, टीवी है, फ्रिज है, गीजर है, हीटर है, कुछ भी चीज आप उठा के ले लें, माइक्रोवेव है, उनमें एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि अंदर तो मेटेलिक स्ट्रक्चर है, यानी जो भी चीज उसके अंदर प्लेट वायर सब लगे हुए हैं वो सब मेटल के हैं। जब कभी खराब हो जाता है कोई आइटम और इलेक्ट्रिशियन आके खोलता है तो आप अंदर देख सकते हैं कि सारा आइटम मेटल का होता है, और बाहर कवरिंग कैसी होती है, प्लास्टिक की। चाहे वो आपका फ्रिज है, चाहे वॉशिंग मशीन है, चाहे आपका माइक्रोवेव है, टोस्टर है, मिक्सी है, सब में बाहर कैसी कवरिंग है, प्लास्टिक की, और अंदर कैसा है, मेटल का। क्यों? क्योंकि मेटल में करंट पास थ्रो होगा तभी वो अप्लायंसेस आप यूज कर सकते हो, और बाहर क्योंकि इंसुलेटर की कवरिंग की जाती है, प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है, रबड़ की कवरिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि आपको शॉक ना लगे। तो हमारे जीवन में कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की ही आवश्यकता है, क्योंकि कंडक्टर से वो चीज जो भी अप्लायंसेस है, जो भी आइटम है, वो यूज में आता है, उसमें करंट पास थ्रू होता है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। और इंसुलेटर की कवरिंग से क्या होता है, इंसुलेटर की कवरिंग से वो आप सेफ रहते हैं, उसका जब भी आप यूज करते हैं तो आपको उससे यूज करने पर कोई हानि नहीं होती, कोई शॉक नहीं लगता, कोई झटका नहीं लगता, कोई करंट नहीं लगता। तो हमारे जीवन में कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि कंडक्टर से स्विच, इलेक्ट्रिक प्लग, सॉकेट ये सब बनाए जाते हैं, और बचाव के लिए, सेफ्टी के लिए इंसुलेटर की कवरिंग कर उन्हें शॉक फ्री करा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरे चैप्टर का समरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए है, चैप्टर को तो हमने समझा और ये भी जाना कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, अप्लायंसेस कैसे वर्क करते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, यानी कि हमारी बॉडी में भी करंट पास थ्रू होता है। इसका सिंपल सा, अगर आपको, मैं ये नहीं कहूंगी एक्सपेरिमेंट करके देखो, लेकिन ऐसा आपने देखा होगा जनरली कि लोगों को करंट लग जाता है, या फिर वो आपकी मम्मी जैसे कभी नंगे पैर अगर वॉशिंग मशीन में काम कर रही है तो कभी कभी अगर वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें भी करंट आने लगता है, तो आप उसको छुएंगे तो एक झटका लगता है। कभी कभी बारिश के दिनों में फ्रिज में भी करंट आने लगता है, तो वो जो करंट उसमें आ रहा है वो हमारी बॉडी में पास हो जाता है। क्यों हो जाता है पास? कि अगर उस अप्लायंसेस में कहीं से कोई प्रॉब्लम है, कोई वायर कट हो रहा है, या फिर बारिश का दिनों में मॉइस्चर है, उस वजह से करंट पास थ्रू हो रहा है, तो हमारी बॉडी में भी वो करंट पास हो जाता है और हमें झटका लगता है एकदम से जब हम किसी चीज को छूते हैं या करंट लग जाता है। उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। इसीलिए आपने बड़े लोगों को ही कहते हुए सुना होगा कि हमेशा गीले हाथों से कभी भी कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ना छुए, कभी भी स्विच को ऑन ऑफ ना करें गीले हाथों से, और नंगे पैर कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल काम ना करें। मान लीजिए आप किसी चीज को ठीक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, या किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी किचन में मम्मी मिक्सी यूज कर रही हैं, या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर बच्चे कई बार माइक्रोवेव में खुद चीजों को गर्म कर लेते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का आप यूज कर रहे हैं, तो आप एक बात को हमेशा अपने दिमाग में याद रखें कि कभी भी बिना स्लीपर्स के, बिना चप्पल के और गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ना छुएं, क्योंकि आपकी बॉडी भी एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू करती है। इसलिए हमेशा इंसुलेटर कोई ना कोई आपकी बॉडी पे होना चाहिए, चाहे वो चप्पल के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो, लेकिन विदाउट इंसुलेटर आपको कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कब करंट आने लगेगा। इसलिए प्रिकॉशन के लिए कभी भी गीले हाथ से ना छुए और बिना स्लीपर्स के ना छुए। तो ये चैप्टर 12 था बच्चों, जो आज हमने कंप्लीट करा। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा, जो करंट को पास थ्रू होने देता है, क्योंकि उसके दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जुड़ते हैं और सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब जलने लगता है। ये जो सर्किट कंप्लीट होने का प्रोसेस है,
इसी तरीके से ये अरेंजमेंट सभी इलेक्ट्रिक चीजों में पाए जाते हैं। और ये जो सर्किट है क्यों कंप्लीट होता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होने के लिए जो इसमें वायर यूज किए जाते हैं वो मेटल के बने होते हैं, और मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देता है। और कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू नहीं होने देते, वो इंसुलेटर होते हैं। तो यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमारे चारों ओर उपस्थित हैं, वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को मिला के बनाए जाते हैं। यानी अंदर का जो मेन वर्क करने वाला जो मशीन लगी हुई है वो कंडक्टर की बनाई जाती है, और इंसुलेटर की ऊपर कवरिंग की जाती है ताकि उसको शॉक फ्री बनाया जा सके, उससे लोगों को नुकसान ना हो। तो इस तरीके से इस चैप्टर से हमें समझ में आया कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों ही हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देता है, इसलिए सर्किट जो भी बनाए जाते हैं उसमें कंडक्टर का यूज किया जाता है, और सर्किट जब पूरा हो जाता है तो वो अप्लायंसेस ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से चैप्टर बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आपकी हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, गुड बाय।